मेहमान आ रहे हैं, खाना बंद कर। गोल अंडा है और सुन्नी और मम्मी जना अभी नाश्ता कर रहे हैं। पहले बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइस मेरा नाम है विन्नी राणा और मैं हूँ उत्तराखंड से। आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ इवनिंग के 7:30 बजे से। और गाइस जैसे कि आप सबको आज की लोग थोड़ा सा लोकेशन चेंज लग रही होगी। और भी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मौसी जी के घर से, क्योंकि मैं अभी आ रखी हूँ मौसी जी के घर पे। और तो गाइस लेके चलते हैं आपको फिर मौसी जी और के किचन में। और ये है मौसी जी और का डाइनिंग। गाइस लेके चलते हैं आप सबको किचन में। आइए सबसे पहले आपको ना किचन में लेके चलते हैं। तो ये है यहाँ किचन और यहाँ पे सुन्नी ना सब्जी काट रही है अभी। हेलो गाइस, देखना गाइस आटा नहीं गूंद रही है, ये देखना वीडियो बनाने पे लग रखी है गाइस। इसको पराठी नहीं मिल रही, ढूंढने पे लग रखी है गाइस। कैसी है यार, इसको बोले समझाओ। 24 घंटे वीडियो बनाती रहती, खाना नहीं बनाती बिल्कुल। देखना इनके घर में मेहमान आ रखे, खाना मन कर मेरे को बनाना पड़ेगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोचा मैं अभी फ्री हूँ तो थोड़ा सा वीडियो बना लेते। ये देखो पीछे से चप्पू मार रही गाइस मुझे सारे आम। तो गाइस ये सुन रही अभी सब्जी बना रही, थोड़ी देर बाद आटा भी गोदने अपना दिल थाम के बैठा रहेगा। बहुत वैसी है गाइस, ये काम नहीं करती बिल्कुल, काम चोर है। 24 घंटे वीडियो बनाती रहती है गाइस आप सबको। तो गाइस ये काम चोर है इसलिए ये सब्जी काट रही है, बता दो आप सबको। गाइस अब लेके चलती हूँ आप सबको बाहर। ये है मौसी जी और का यहाँ पे बैठक रूम। और ये है सामने मौसी जी और का, ये यहाँ पे मौसी जी और की टीवी है। और ये है यहाँ पे बैठक रूम। हाँ हेलो गाइस, ये मेरी बुआ की तिजोरी है, चॉकलेट रखी है। तो गाइस सुनने का गाइस आपको एक चीज दिखाती हूँ गाइस, अभी देखना गाइस ठीक है। हाँ लाइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है ना। हाँ भाई अरे दीवार खिला नहीं, जल्दी बीच मारे ये मस्त लाइट है। हाँ ना बंद हो गया। हाँ जल्दी जल्दी देखो गाइस यहाँ का बैकग्राउंड। गाइस यहाँ का बैकग्राउंड देखो ऊपर का कितना प्यारा है, कितनी अच्छी लाइटिंग है ये देखो। तो एक बार मैं आपको ना बैक करके दिखा देती हूँ, सुननी बोलेगी। सुननी क्या बोलती है, कितना अच्छा है, वाओ सो ब्यूटीफुल। तो गाइस मैं एक बार जाकर बैकग्राउंड दिखा देती हूं आपको बैक करके। चला चला चला। तो गाइस सुननी बोल रही पहले टीवी चलाते हैं कि। तो ये सुननी ने टीवी स्टार्ट करी लेकिन टीवी अभी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम समय मांग रही है शायद। उफ गाइस ये तो काट रही हूं ना। हां है ना, केबल काट रही सारी टाइम। हां क्योंकि जेट माया करना है ना तो काट रही हूं। तो गाइस ये अभी सुनी ना टीवी स्टार्ट करी, कारगिल बनी हुई है वहाँ। तो ये सोनी कंपनी की टीवी है। और गाइस यहाँ की लाइटिंग कुछ इस प्रकार की है, वहाँ देखो ऊपर कितना अच्छा, क्या बोलते हैं इसका नाम, चरखा। गाइस बोल रही है इसका नाम चरखा बोलते हैं। ये जो दिख रहा है सुननी बोल रही है, ये जो ऊपर दिख रहा है नाम क्या है मुझे पता नहीं, तो इसका नाम है चरखा है जी, चरखा। रिमोट का है, रिमोट पता नहीं का है। तो गाइस ये सामने जो फोटो है ये मेरे, ये सामने मेरे मौसा जी की फोटो। और ये सामने यहाँ पे कौन सा मंदिर है श्री, हाँ ये राम मंदिर की फोटो है। यहाँ पे कितना प्यार लग रही है, सुननी आ रही है बाहर अंदर से। काम चोर है ना, खाना नहीं बनाया, किचन में खाना बनाना छोड़ दिया, बाहर आ गई। तो गाइस ये वाला अंदर जाता है रास्ता किचन के लिए और डाइनिंग टेबल के लिए। और उसी के जस्ट बाजू में मुझे मौसी का रूम है। और ये यहाँ से हम लेके चलते हैं आपको बाहर, ये यहाँ पे बैठने के लिए बाहर पे चेयर वगैरह और टेबल लगा रखी है। ये बाहर ना गमले लगा रखे बहुत ज्यादा, तो बहुत गमले रखे हुए हैं। और ये बाहर जाने का गेट है यहाँ से। तो फिर आपको ले चलते हैं अंदर घर में। और सुननी ना अभी यहाँ पे टीवी ऑन कर रही है। तो गाइस
आपको ले चलते हैं हम मौसी जी के रूम पे। तो ये है यहाँ पे घरों का, यहाँ पे डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे ना काफी सारे फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, केला, संतरा, कीनू, केले, अंगूर वगैरह। ये शायद कोई आया होगा ना मौसी के घर में, तो वो लेके आए होंगे। और यहाँ पे चम्मच वगैरह, ये डाइनिंग एरिया है। और अब लेके चलते हैं आपको जैसे अंदर है, ये है मौसी जी का रूम, यहाँ पे मौसी जी सोती है। तो जैसी मैं अंदर आई तो यहाँ पे मुझे एक प्यारा सा शीशा मिलता है, ड्रेसिंग शीशा, जिसमें कि मैं कुछ इस टाइप की दिख रही हूँ। और ये ना काफी ज्यादा अच्छा है, तो ये ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया गाइस। और यहाँ पे ना सामान रखने के लिए भी आई, देखो तो अच्छा है ना, इसी से काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे इसके जस्ट बाजू में ये है, बहुत ये है यहाँ पे अलमारी, यहाँ पे दो अलमारी रखी हुई है बेटी मम्मी जी ने, एक ये वाली अलमारी है और एक ये वाली अलमारी है। तो ये दोनों अलमारी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसमें काफी मम्मी होरो का, मौसी जी होरो का बेड, यहाँ पे मौसी जी सोती है, और ये डबल बेड है। और फिर यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता, जो कि अभी तो गैस यहाँ से लेके चलते हैं आपको बाहर। ये बाहर जाने का रास्ता है यहाँ से, और तो गैस जैसे यहाँ से मैं बाहर आती हूँ तो यहाँ पे मौसी जी और का इन्वर्टर है, और ये है यहाँ पे वॉशिंग मशीन जिसपे कि मौसी कपड़े धुलते हैं। तो अभी देखो ये बंद भी नहीं कर रही है, तो मैं इसे फिलहाल बंद कर लेती हूँ। ये है वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धुलने के लिए है, और यहाँ से भी गेट है बाहर जाने के लिए। तो ये है यहाँ पे मौसी औरों का चैनल गेट, यहाँ से भी हम बाहर जाते हैं। और ये है मौसी औरों का वॉशरूम, जो बाहर वाला वॉशरूम है ये वाला है, और ये भी है, यहाँ पे लैट्रिन है और यहाँ पे बाथरूम है। इसी से फिर आपको ले चलते हैं अंदर की साइड, और ये वाली लाइट मैं बंद कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ से ये वाला रास्ता, तो ये ना अंदर को है, फिर मैं इस गेट को ना बंद कर, इस दरवाजे को ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये मौसी ने बंद कर रखा था। ये मौसी के रूम से बाहर का रास्ता है, यहाँ से भी बाहर का रास्ता है। अब मैं आपको इधर से लेके चलती हूँ, यहाँ से भी हम बाहर जा सकते हैं, यहाँ से भी गेट है। और इधर ये है भैया जी और का रूम, भाभी और भैया का रूम, तो अभी यहाँ पे ना, तो गाइस ये है भाभी जी की अलमारी, और इसमें ना काफी ज्यादा प्यारा शीशा है, इसमें भी मैं कुछ इस टाइप का दिख रही हूँ। कितना प्यारा है ना, काफी ये शीशा ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया गाइस, कितना प्यारा लग रहा। और ये है भाभी जी और का बेड, और यहाँ पे ना भाभी और भैया और भाभी की शादी की फोटो भी है। तो ये देखो, ये है भैया और भाभी जी। तो गाइस आइए आप सबको अपनी भैया और भाभी से मिल। तो गाइस ये है भैया और भाभी की शादी की फोटो, कितनी बड़ी, कितनी प्यारे लग रहे ना दोनों। और भाभी का लहंगा ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और भाभी कितनी प्यारी लग रही थी ना, भैया भाभी दोनों लग रहे हैं ना हीरो। वैसी है भैया भाभी जी। और यहाँ से ना बाहर का ये सुनने भी आ गई है। तो वैसे यहाँ से ना खिड़की भी है, तो इधर से ना बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, गर्मी के लिए ना काफी ज्यादा अच्छा है। तो अभी मैं इसे ना बंद कर लेती हूँ खिड़की को भी। तो अभी ना भैया भाभी जी और घर में नहीं है, वो ना बाहर रहते हैं हांगकांग। मौसी भी वैसे हांगकांग ही थी, लेकिन मौसी भी आजकल 3-4 दिन पहले ही इंडिया आई है बाहर से, हांगकांग से, चाइना से। तो फाइनली गाइस अभी हम बना रहे हैं, तो मैंने सब्जी तो बना ली है। हो गई सर, अभी जाओ चावल लगी बना, रोटी बेल रही और मैं रोटी सेक रही हूँ। गाइस ये रोटी सेकने के साथ साथ ना फोन में भी ध्यान है इसका, इतनी गोल गोल रोटी बना रखी, तेरे मामा तेरे माने मारे तेरे खोवे में डंडा। गाइस इस पर देखो गाइस रोटी ना ऐसे ना, इतनी गोल गोल रोटी है गाइस, देख ले जरा गाइस, ये देखो इसकी चपाती चपा गाइस, इतना बड़ा बना दिया। अच्छा जो दो खाए, जो खाता होगा तो वो एक ही खाएगा, है ना। Guys. देखना गाइस मेरी स्पीड क्या,
ना ना बोलो बोलो अगाड़ी अगाड़ा पिछाड़ा सर इसकी रोटी बनाने की चक्की देखो आपका झूड़ा लगा रही है कंटा पर तैयार हो चुका है और अभी मैं खाना खा रही हूँ। तो ये है यहाँ पे हमारी मोटी सहनी जो कि यहाँ पे छकने लगी है। गाइस काम करे ना करे खाना सबसे पहले खाएगी। ये देखो हेलो गाइस हम खाना खा रहे, भूख लग गई यार, सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए। हाँ गाइस सच में मुझे भी काफी ज्यादा भूख लग गई है तो फटाफट से मैं भी खाना खा लेती हूँ। और ये लेके आ रखी हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी, तो आप सबके लिए सब्जी। और ये है रोटी, तो गाइस आप सबके लिए खाना मिलते हैं खाना खा। तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ और ये सुननी तो खा रही, इसने तो एक रोटी छक भी ली। ये देखो गाइस कैसे खा रही, बड़े बड़े घास, बड़े बड़े घास खा रही गाइस। देखो गाइस ये अभी खाना खा रही है तो फटाफट से मैं भी खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ आप सबको। गाइस से देख रहे कैसे खा रहे खाना, हमारे घर वाले में ऐसे खाते ऐसे ऐसे कैसे ऐसे खा रहे हैं। गाइस अभी खा रहे हैं हम चॉकलेट, ये मोटी को देख अभी पहले मैं बताऊँ जो मुझे करती हम चॉकलेट खा रहे गाइस। देखो आपको भी खाने आप भी आ गए गाइस, इसको फोल्ड करने यहाँ से ये खाने जा रहे हैं अभी हमारे में से। और गाइस ये खाने में बड़ा कितनी भूखड़ है गाइस, ये इसको सबर भी नहीं हो रहा है एकदम एकदम देते देते इसने आधा टुकड़ा निकाल दिया है ये वाली चॉकलेट। अच्छा और ऐसा नहीं तो कैसे भी लगा रहे हम पर्दे चेटी मम्मी जी मम्मी जी ये सुन्नी मोटी क्या देख रही हेलो गाइस और भैया कैसे बोल भाभी और भैया है उनकी शादी हुई थी एक साल हो गए। गाइस कैसी लग रही आपको खाना बताना है अच्छा लग रही है ना पार्ट लगा क्या हाँ यू पार्ट लगा रखने वाले हम लेके जा रहे हैं पर्दा लगाने के लिए बाहर और मम्मी जी यहाँ पे खड़ी हो रखी है। ये मोटी सांड दोबारा से अंदर चल गए मम्मी जी सुन्नी जेठ मम्मी जी ने बाहर चल गई है। ये है मम्मी जेठ मम्मी जी और काम मंदिर और अभी ना तो वैसे अभी मैं बना रही हूँ चाय और इसमें मैं अभी सब्जी गर्म कर रही हूँ क्योंकि हमने नाश्ता बनाना था सुबह और सुन्नी और मम्मी जी ने यहाँ पे आपस में इनकी बातचीत चल रही है। हेलो गाइस हेलो गाइस जरा बता रही है गाइस इतनी टेस्टी सब्जी बना रही हूँ मैं पूरी चटपटी है। हाँ देखो गाइस कभी बोलो गाइस ये बहुत बुक करे इसने मेरी सात चॉकलेट खा ली गाइस
समझा दो ये चॉकलेट निकालने पे इस्तेमाल तो पहले गैस हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है चुन्नी के एक चुमको के साथ और अभी हमारी चाय बस नहीं रहेगी यही पे खत्म हो चुका है तो गाइस अभी हम कर रहे हैं नाश्ता ये सुमी है ये मैं हूँ और ये मम्मी जी है और जेठ मम्मी जी ने तो नाश्ता कर लिया है तो मौसी ना नाश्ता करके बाहर चल गए हैं और मैं और सुन्नी और मम्मी जी ना अभी नाश्ता कर रहे हैं तो फाइनली गाइस हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और यहाँ पे सुन्नी बैठी हुई है और अंदर जेठ मम्मी जी और काम कर रहे हैं तो फाइनली गाइस अभी मैं जेठी मम्मी जी और घर से निकल चुकी हूँ और अभी तो मैं आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ तो अब जा रही हूँ मैं अपने ससुराल और मुझे ना काफ़ी लेट भी हो चुका है क्योंकि अभी टाइम ना 11 बज चुका है और मुझे जल्दी जाना था घर लेकिन थोड़ा लेट हो गया था तो अब मुझे पता नहीं यहाँ से ऑटो मिलेगा या कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं है